हमने कभी सोचा नहीं था कभी कोई एक्टर बन सकता है हमारी साइड से। पूरे मंत्री मंत्री पूरा मतलब ताबड़तोड़ वेलकम किया गया था। तो जो भी चीजें हुई है लाइफ में वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप रास्ते खुलते गए, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। शायद मेरी फैमिली की फेस पे जो खुशी मैंने देखी, शायद मैं उसके लिए काम कर रहा था। अभी मैं सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, किसी से प्यार करे तो सब कुछ मुझे भर भर के मिल रहा है। आजकल ऑडियंस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं नवनीत मलिक। तो आज हमारे साथ नवनीत हैं जो बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आंख मिचौली के बारे में तो ऑफकोर्स बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी वो भी बातें करने वाले हैं जो अब तक नवनीत ने शेयर नहीं की है ना। सो वेलकम, थैंक यू वेरी मच। यू आर लुकिंग सो लाइक समथिंग फाइटिंग सीक्वेंस और कुछ पानी में जाना है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सेट? ओके, सो ये जो कॉस्ट्यूम है ये मेरे भाई को मैं लेने गया हूँ। तो वहाँ पर हमने ट्यूनिंग कर रखी है, तो वो एक्चुअली कॉस्ट्यूम है। अच्छा। बेसिकली मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो गुजराती कैरेक्टर है। okay. तो गुजराती पूरे कलरफुल कपड़े वगैरह मैं पहनता हूँ, नॉर्मली वो है मेरा। तो ये कभी कभी पीछे मुझे दे देते हैं। मैंने देखा काफ़ी डांस वांस हो रहा था, ऐसे फूल फेंके जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है? बताया, जैसे मैंने बताया कि मेरे भाई को मैं बस स्टैंड पर लेने गया था। वो बहुत साल के बाद, एक साल के बाद घर पर आया IPS ऑफिसर की ट्रॉफी लेके, और उसका वेलकम कर रहा था मैं। और हम दोनों ने ट्यूनिंग एक जैसी जैकेट पहन रखी थी, तो वो था जो आपने देखा अभी सेट पे। नवनीत, कितना मज़ा आ रहा है शूट करके आंख मिचौली? डेली शो है, बहुत टाइम देना पड़ता होगा। देना पड़ता है, पर एक कलाकार के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो सेट पे जाए, रोज़ एक्ट करे, कैमरे के सामने कैमरा फेस करे, ऑडियंस से प्यार करे, तो सब कुछ मुझे भर भर के मिल रहा है। और जिस तरीके से हम शूट भी कर रहे हैं, पूरा एक फिल्म का जैसे मज़ा होता है ना, तो वैसे ही हम शूट करें। डेली बहुत शिद्दत से काम करते हैं, पूरे वो फिल्मी गाने जैसे आप सोचते हो ना कि फिल्मों में काम करना है बॉलीवुड में, ऐसे ऐसे गानों पे, तो सेम चीज़ें हम रोज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। जी, तो मज़ा आ रहा है पूरा फुल ऑन। 12 घंटा शूट होता है, 8 घंटा होता है? 12 घंटे तो होता ही है। अच्छा। पर उसके बाद भी जब भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी नया नया शो है, तो अगर रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ा पुश करना, तो हम पुश करते हैं। तो पूरा फैमिली की तरह, एक टीम की तरह हम काम करते हैं यहाँ पर। काफ़ी हिडन एजेंडाज हैं इसमें जो अभी मतलब थोड़ी थोड़ी रिवील हो रहे हैं, तो टेल मी अबाउट दैट। बहुत सारी ऐसी पैरेलल स्टोरीज हैं जो एक क्यूरियोसिटी इसमें ऑडियंस के दिमाग में डाल देती है। जैसे मेरी लव स्टोरी चली हुई है, मेरी माँ के साथ मेरा कैसे कैरेक्टर है, एक अलग से एक बचपन में कुछ प्यार मिला था, वो चला गया IPS ऑफिसर बनने के लिए, फिर वो वापस आता है, बा के हाथ से कुछ हो गया था, तो वो सब ऐसी पैरेलल स्टोरीज ऐसी चली हुई हैं जो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। और ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि यार कल क्या होने वाला है। इवन मैंने कभी TV नहीं देखा था, मतलब मैं इतना वो नहीं करता था। तो सुबह सुबह जैसे उठता हूँ तो आज का एपिसोड में हुआ, 6:30 आ जाता सुबह भी, तो सुबह उठते सबसे पहले वही देखता हूँ आज क्या हुआ। इतनी क्यूरियोसिटी बना के उसमें बैठे हुए हैं। आपको 1.5-2 घंटा फिल्म के लिए नहीं बैठना पड़ता, वो आधे घंटे में आपकी एक स्टोरी भी मिल जाती है, देन यू गो फॉर वॉक, एंड या इट्स ब्यूटीफुल। एंड बहुत क्यूरियोसिटी है इस शो में। यस, जब आप अपना ही शूट देखते हैं ऑन स्क्रीन, जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, तो कुछ ऐसा कभी हुआ है कि देखकर इंप्रूव करने की, या वाओ दिस वाज द बेस्ट, ऐसी कुछ फीलिंग आई हो? बिल्कुल, वो हमेशा होता है। एज एन एक्टर, अगर मैं जैसे पहले फिल्में भी कर चुका हूँ, तो मैं हर सीन को ना मैं बार बार देखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या मैं इंप्रूव कर सकता था, क्या और चीज़ डाल सकते थे। जैसे अभी वो TV के सेट पर हूँ, तो डेली आपके पास नई नई ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है, तो वो सब उसके साथ में आपको सीखने का बहुत मिलता है, क्योंकि आपको इंस्टेंट सब कुछ करना पड़ता है, इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट सब कुछ। जो लेयरिंग होती है वो आप दोबारा देख के समझते हो कि यार इस सीन में ये कर सकते हैं, ठीक है नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं इस पे ये लेयर और डाल सकता हूँ। तो मैं हमेशा अपने आप को ओपन रखता हूँ नई अपॉर्चुनिटी, नया कुछ सीखने के लिए, नया कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यस, हमेशा मैं बहुत कुछ सीखता हूँ हमें अपने टेक देख के। एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज़ याद आई, और आपने जो पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था कि आपका बचपन आपकी माँ शो में, बट मैं रियल लाइफ में जानना चाहूँगी, क्या हमेशा से सपना था एक्टर बनने का? सच बताऊं तो नहीं। क्यों? नहीं था कभी। तो कैसे बन गए? तो जहाँ से हम आते हैं, मैं हरियाणा के बहुत छोटे से गांव से आता हूँ, मदीना नाम है, पर अभी रोहतक में रहते हैं पिछले 15 साल से। तो कभी हमने कभी सोचा ही नहीं था कभी कोई एक्टर बन सकता है हमारी साइड से, क्योंकि एक तो कोई रेफरेंस नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। तो जो भी चीज़ें हुई है लाइफ में वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप रास्ते खुलते गए, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। बहुत लंबी स्टोरी है कि कैसे कुछ हुआ, कैसे मैं जॉब करता था दिल्ली में एज ए सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग ही बनाता था मैं जी। तो उसके बाद ऑडिशंस देने स्टार्ट हुए थे, कभी कोई काम मिला नहीं, एक साल के लिए ऐसे कैमरा देखता था, डर लगता था, वापस आ जाता था। तो वो सब करते करते एक ऑडिशन हुआ, एक साल के बाद क्लिक हुआ, दिल्ली से ऑडिशन दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, नेक्स्ट ऑडिशन था कलकत्ता में।
तो कलकत्ता गया ऐसे मुंह उठा के, कुछ पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। एलीट मॉडल का पहले मैं मॉडलिंग करता था जी। तो मॉडलिंग के लिए कंपटीशन था एलीट मॉडल का, उसके लिए मैं कलकत्ता गया, वहाँ से उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे और वही फिर मुझे बॉम्बे लेके आए और वहाँ से मेरी जर्नी एज ए मॉडल स्टार्ट हो गई। तो वो रातों रात कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या एफर्ट डाला था, पर हाँ कॉन्स्टेंटली बहुत थोड़ा जा रहा था, कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम कर रहा था और उसी के बदौलत एक एक स्टेप रख के मैं यहाँ तक पहुँच गया। मुझे नहीं पता था, पहले कभी ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है या मॉडल बनना है। एक बहुत बड़ा रिस्क होगा जब आप एक सिविल इंजीनियर बनके बिल्डिंगें बना रहे हैं, एक घर में पैसा आ रहा है, मंथली सैलरी आ रही है और आपने उसको छोड़ के रिस्क लिया। इतना भी पैसा नहीं था बोलूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी एक्चुअली, मेरी थी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं लगा हुआ था, जो बहुत ही कम सैलरी पे मुझे रखा गया था वहाँ। और मेरा फाइनल ईयर का फाइनल ईयर में था मैं बीटेक के फाइनल ईयर में और मेरी डिप्लोमा बेसिस पे जॉब लग गई थी। तो साथ के साथ गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही थी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर लगे उनको पक्का कर दें, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। दादा बहुत खुश थे मेरे, पर इवेंचुअली कुछ ऐसा हुआ कि हमें पक्का नहीं किया गया। और पैरेलली जो एक साल में जॉब कर रहा था, मैं ऑडिशंस भी दे रहा था, मतलब ऐसे ही जाता था, कैमरा देखता था, ऐसे कांपने लग जाता था, वापस आ जाता था। तो कैमरा फेस करने मुझे एक साल लग गया वहाँ पर और कभी एफर्ट नहीं लगा, मैं कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, बस मज़े ले रहा था। वो प्रोसेस था कि कहीं से फेसबुक पे ऑडिशन दिख गया, वहाँ चला गया, गया देखा और वापस आ गया जी। ना कुछ उस पर ज़्यादा सोचना कि यार कैसे होगा, क्या होगा, करना है या नहीं करना, कुछ नहीं सोचा था। सिर्फ एक एक स्टेप अपना शिद्दत से मज़े लेके कर रहा था, जो प्रोसेस था। और कभी साइकोलॉजिकली कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि नहीं होगा तो क्या होगा या इसके अलावा क्या ऑप्शन है, सिर्फ सब मज़े में चल रहा था, एक एक स्टेप को बहुत इन्जॉय कर रहा था और यहाँ तक ऐसे पहुँचा मैं। तब जब ये नौनी छोटे से गांव वाला जब एक्टर बनके अपने गांव में पहली बार गया होगा तो क्या सीन था, कहीं ये जो मैं आज सीक्वेंस मैंने देखा कहीं वैसा तो नहीं था? आपने शायद वीडियो नहीं देखी मेरी इंस्टाग्राम पे, तो मैं पहली बार जब मेरी फ्रीलांसर सीरीज आई थी, उससे पहले मैं कुछ फिल्में कर चुका था, तभी रिसेंटली जो द फ्रीलांसर सीरीज आई थी मेरी, एक महीना पहले ही उसका सेकेंड पार्ट रिलीज हुआ था। तो जैसे मैं वहाँ पर हरियाणा गया था तो 250-300 गाड़ियाँ आई हुई थी मुझे पिक करने के लिए बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, और वहाँ से पूरा काफिला चला हुआ था और पूरे मंत्री पूरा मतलब ताबड़तोड़ वेलकम किया गया था। हाँ आप वीडियो देखना वहाँ इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं शौक था कि मैं इतना क्या कर दिया मैंने, पर जो अपने लोगों को देख के, उनकी खुशी को देख के जो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ा, मतलब मैं वो एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत मोमेंट था ना कि शायद मैं इसी के लिए जी रहा था, शायद मेरी फैमिली की फेस पे जो खुशी मैंने देखी, शायद मैं उसके लिए काम कर रहा था। आप काम करते रहते हो, आप इतना एक्साइटमेंट धीरे धीरे, ठीक है आप काम करते हो डेली का, वो काम का प्रोसेस हो जाता है, बट अपनों के फेस पे जब खुशी मिलती है ना, एक खुशी भी बोलने लगा क्योंकि मेरी गुजराती कैरेक्टर है उसमें सर शेर सब सही होता है, खुशी मिलती है। तो बहुत तगड़ा वेलकम हुआ था मेरा, और उसके बाद भी जिस तरीके का ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ही कमाल का। यस, मैं वो फर्स्ट ब्रेक आपसे पूछना चाहूँगी, मॉडलिंग वाला नहीं, ये वाला कौन सा था, और फिल्म वाला या शो वाला, वेब शो वाला, फिल्म हीरोपंती, ऑफ कोर्स मुझे पता है सारी चीज़ें, बट फर्स्ट जो ब्रेक आपको मिला था ना वो कौन सा था? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर बताऊँ तो। बिल्कुल, एक्चुअली स्टार्टिंग से थोड़ा पहले लेके जाता हूँ आपको। जब मैं एलीट जीता था, जो कंपटीशन मैंने दिया था कलकत्ता से, वो मैं बॉम्बे आया, सोफिटेल होटल में हमारी ग्रूमिंग हुई थी और मैं उस कंपटीशन को जीत गया था। जीतने के बाद मुझे कॉल्स आए थे रेड चिलीज से, यशराज से, और मुझे ये नहीं पता था यशराज है क्या, रेड चिलीज है क्या, मैंने इग्नोर कर दिया उनको। मुझे लगा कि कोई बर्गर का, फूड का कोई ब्रांड है जो एड के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, ना कोई मेंटोर था मेरा, ना कोई एजेंसी थी जो बता सके। तो वो सब हुआ, मैं उस टाइम पे हरियाणा वापस चला गया और मैंने एक दो महीना उन्होंने फॉलोअप लिया, यशराज ने कुछ दिन लिया था, रेड चिलीज का कुछ महीनों तक चला था प्रोसेस जी। पर मैंने काइंड ऑफ इग्नोर कर दिया अनइंटेंशनली। और वो फिर जब मैं पहली बार बॉम्बे आया तो मैंने एक फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आया था रेड चिली से। वो बोला कि तुझे पता भी रेड चिलीज है क्या? माँ मुझे तो नहीं पता। कह रहा कि शाहरुख खान की कंपनी, तुझे तो पता होना चाहिए, तूने कैसे इग्नोर कर दिया। मैंने उस दिन से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं, यार मैं ऐसे कैसे मिस कर सकता हूँ ये कॉल। तो मैं 6 साल मुझे मॉडलिंग करियर के होने के बाद, अपने आप को ग्रूम करने के बाद, मुझे एक फ्रेंड कॉल करता है ऑलमोस्ट 6-6.5 साल के बाद जी। कह रहा है कि मेरा ऑडिशन में हेल्प करवा दोगे? हाँ। मैं कहा हाँ बिल्कुल।
तो मैंने कहा कि शाम को घर पे आ जाओ, तो शाम को घर पे आया तो उसने अपना ऑडिशन रिकॉर्ड किया, साथ में मेरा भी ऐसे कर दिया और उसने आगे भेज दिया टीम को, कास्टिंग डायरेक्टर को। तो अगले दिन ही मुझे कॉल आता है, कह रहा कि आप सिलेक्ट हो गए। मैं कहा भाई किस लिए, उससे पहले तो आपने 700-800 ऑडिशन दे चुके थे पर कभी कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, कोई कॉल बैक आएगा या शॉर्ट लिस्ट हुआ है, पता ही नहीं था कि क्या फील होती है, कैसे एक्टर एक्टिंग करते हैं। तो उस दिन हरियाणवी टच था उसमें जो स्क्रिप्ट थी और मैंने ऐसे फ्लो में एक ही टेक में दे दिया था। अगले दिन ही फ़ोन आया तो बोले कि ऐसे सिलेक्ट हो गए। मैंने पूछा कि कहाँ से बोल रहे हो भाई, पहले ये तो बता दो। कह रहे कि कल आपने कोई ऑडिशन दिया था। मैं दिया तो था। कह रहे आप उसके लिए। मैं कहाँ से? कह रहे रेड चिली से। तो उन्होंने बोला कि रेड चिली से ठंड से एक बार माथा घुमा के या रेड चिली से, मैं इतने दिन की मैनिफेस्टेशन जो है वो सामने आ गई है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनको हाँ कर दिया। जो विक्रांत मासी के साथ था, बॉबी देओल सर थे उसमें नेगेटिव में वो कर रहे थे, तो वो मेरा पहला था। उसके बाद फिर हीरोपंथी आए, कुछ और प्रोजेक्ट किए, फिर फ्रीलेंसर किया, फिर ये प्रोजेक्ट किया, दो फिल्में और आ रही हैं, संजय दत्त के साथ आ रही है, एक और आ रही है। तो उसके बाद सिलसिला ना एकदम से शिफ्ट हो गया मेरा मॉडलिंग से एक्टिंग में। तो ये कुछ जर्नी रही थी मेरी जो मैनिफेस्टेशन के साथ में, कब से कहाँ से स्टार्ट हुई थी, एकदम से कुछ जरिया मिला और वो लाइफ चेंज हो गई वहाँ पर। सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है, मूवी, वेब या ये शो? सी, मैं एज एन एक्टर मैं हर चीज़ बहुत इन्जॉय करता हूँ। मूवी का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, वेब सीरीज़ का फिर उसमें और ज़्यादा यू नो कट टू कट होता है। और टीवी में क्या होता है, आप डेली आते हो, डेली एक्सपीरियंस करते हो और ताबड़तोड़ एक्टिंग करने की कोशिश करते हो। फुल ऑन जो पैकेज होता है ना एक्टर का, मैं बोलता हूँ कि एक बार लाइफ में टीवी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एज एन एक्टर आप फुलफिल फील करते हो, मतलब एक अंदर से ऐसे सेटिस्फेक्शन फील करती है कि आप रोज़ जा रहे हो, रोज़ सेट पे जा रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, ऑडियंस के साथ रूबरू कर रहे हो रोज़ के रोज़। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। इससे पहले वेब सीरीज भी की, फिल्में भी की, तो मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंस फील नहीं होता कि यार मैं किस में ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इन्जॉय इसलिए कर रहा हूँ कि मैं रोज सेट पे आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। रियलिटीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा आपने? बहुत सारी हैं, बिग बॉस है, झलक है, खतरों के खिलाड़ी है, मतलब वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि एक साइड। जी, कॉल आए मुझे पिछले 4 साल से बिग बॉस वाले कॉल कर रहे हैं और मैं अभी इतना इंक्लाइंड फील नहीं कर रहा हूँ रियलिटी शोज़ के लिए। उससे पहले स्पिरिट्स विला वगैरह वो कॉल करते थे, पर मेरा ऐसा कुछ फील नहीं है अभी, ना बिग बॉस में या कहीं पे ऐसा जाने का हाल फिलहाल। और अभी मैं सिर्फ एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, सिर्फ जितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं फिल्मों में या वो मैं करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट में करना चाहता हूँ रादर देन रियलिटी शोज़ के। तो अब फैमिली का क्या रिएक्शन होता है आपको इतने सारी फिल्मों में देख के, शोज़ में देख के? अब मतलब फिल्में तो चलो एक बार आती हैं, लोग जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो शो होता है ना रोज घरों में, दिलों में छाया हुआ होता है, तो हाउ दे रिएक्ट? कल पापा जी शाम को फोन कर रहे बोलते हैं कि बेटा रोज तेरे को टीवी पे देखते हो, ऐसा लगता है तू सामने ही बैठा हो, क्योंकि फैमिली हरियाणा में है और मैं यहाँ पे कई सालों से, बहुत सालों से यहाँ पर अकेला रहता हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें पता है क्या कर रहा है, ये एपिसोड आया है, ये परसों वो ये कर रहा था, आज ये कर रहा है। तो उनको रूबरू ये मान लो कि लाइव कैमरा दिखा रखा है मैंने कि देखो आज मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, आज वो कर रहा हूँ, और वो इंटरटेन भी हो रहे, रोज़ का कुछ ना कुछ नया कंटेंट आ रहा है। शाम को बैठ के पूरे घर वाले साथ में बैठ के देखते हैं आँख में चोली भी, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाया, उनकी उनको मतलब प्राउड फील होता है कि यार मेरे बेटा देख, रोज़ मेरा बेटा टीवी पे आ रहा, फिल्में कर रहा है, सीरीज़ कर रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और गली मोहल्ले में तो पता ही आपको, जब लेडीज वगैरह बैठती हैं तो अलग ही चौड़ होती है फिर माँ की तो वो चीज़ें तो होती हैं। यस, चलिए नवनीत, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि जिस तरह से आपने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जहाँ से कोई इस फिल्मों में आया नहीं, उस गांव से आकर आपने लोगों को इंस्पायर किया है, तो इसी तरह से आप अपने काम से भी सबको इंस्पायर करते रहे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।